हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेलार एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले लेक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने डोबेरिनस लॉ ऑफ ट्रायड्स एंड न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडेलीव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट हैं, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के 5 साल बाद उन्होंने पीरियोडिक टेबल अपना बनाया। मेंडेलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उस समय अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स नोन थे। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त दो अहम चीज़ों पर ध्यान दिया। एक थी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई, जबकि उसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गए। हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। सो दे रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट्स। सो जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, देन वी कॉल इट एज इट्स ऑक्साइड, एंड जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, वी कॉल इट इट्स हाइड्राइड। सो मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एंड ऑल्सो मेड श्योर दैट ही इज ग्रुपिंग द एलिमेंट्स ऑफ विद द सेम हाई ऑक्साइड फार्मूला इन वन एंड विद द सेम हाइड्राइड फार्मूला इज वन। मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल रो द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इज इंक्रीजिंग, वाइल द एलिमेंट्स विच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर इन वन पीरियड। मतलब कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिथियम से ज़्यादा एटॉमिक मास है बेरिलियम का, उससे ज़्यादा है बोरॉन, कार्बन का उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज़्यादा। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो हाइड्रोजन्स का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, सबका प्रॉपर्टी आपस में मिलता है। सो हॉरिजॉन्टल रो को हम कहते हैं ग्रुप, और वर्टिकल जो कॉलम है उसको हम पीरियड्स कहते हैं। अब ये ग्रुप्स जो हैं वो रोमन न्यूमरल्स में डेजिग्नेट किए हुए हैं। यहाँ पर टोटल 8 ग्रुप्स हैं और 6 पीरियड्स हैं। मेंडेलीव ने हर एक ग्रुप को उनका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला दिया था। जैसे कि अगर हम ग्रुप वन देखें तो ग्रुप वन के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, Li2O, Na2O, K2O, और जब ग्रुप टू देखें तो MgO, CaO, कुछ इस तरीके से बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर मुझे पोजीशन निकालना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे मुझे पोजीशन पता करना है पोटेशियम का, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे। पोटेशियम इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फोर्थ पीरियड, एज इन द फोर्थ पीरियड ऑफ फर्स्ट ग्रुप। वैसे ही अगर मुझे क्रोमियम का बताना हो तो इट इज़ इन द फोर्थ पीरियड एंड 6th ग्रुप। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो इसी तरीके से ये बात, जो मेन बात यहाँ पर ये आती है कि अक्रॉस द ग्रुप एटॉमिक मास बढ़ रहा है एंड अप डाउन इन द पीरियड प्रॉपर्टी सेम है। द सेकेंड थिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज इसका एडवांटेज। न्यूलैंड हो गए या डोबेरिनर हो गए, उन्होंने उनके पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ जो मिसिंग थी वो एक लिमिटेशन जो सबसे बड़ा था वो ये था कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम ना होते हुए भी वो एक के नीचे एक थे, एक ही ग्रुप में थे।
पर यहाँ पर मेंडेलीव ने इस बात का ध्यान रखा है कि वो एलिमेंट्स जिनके पीरियड्स जिनके प्रॉपर्टी सेम नहीं है वो एक ग्रुप में ना आए. मतलब ही हैज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रॉपर्टीज रेदर देन गिविंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. जैसे कि हाइड्रोजन के बाजू में लिथियम होना चाहिए था अगर हम कायदे से जाएं तो, लेकिन हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है इसलिए उसको उसके नीचे प्लेस किया है ना कि उसके बाजू में. क्योंकि अगर लिथियम उसके बाजू में होता तो बेरिलियम और कैल्शियम ग्रुप टू के साथ उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं होती. तो यहाँ पर मेंडेलीव ने इम्पोर्टेंस दिया है उसके प्रॉपर्टीज़ को ना कि उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को. अब हम बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस की. वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एलिमेंट्स को अरेंज कर सकता था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर हैं. जैसे कि सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ पर करेक्टली डिफाइन नहीं किया गया था क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 एलिमेंट से भी मिलती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 7 एलिमेंट से भी मिलती है. ग्रुप 1 एलिमेंट जो है उसमें देखा गया है कि उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन के साथ भी वही केस है. और ग्रुप 7 एलिमेंट में अगर हम देखें तो ग्रुप 7 एलिमेंट के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है स्टेबिलिटी की. सेम विथ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहाँ पर ग्रुप 1 से भी मिल रही है और ग्रुप 7 से भी मिल रही है. ग्रुप 7 जिसको हम हैलोजन्स कहते हैं बाय द वे. सो एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कि उसको ग्रुप 1 में रखा जाए या ग्रुप 7 में रखा जाए. सो ये एक जो बड़ा लिमिटेशन है वो यहाँ देखने को मिलता है. सेकेंड लिमिटेशन ये है कि डिसिमिलर एलिमेंट्स कुछ हैं उनको भी ग्रुप किया गया था और उनको जस्टिफाई नहीं किया गया. कुछ एलिमेंट्स का ग्रुपिंग उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में नहीं हुआ. जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे कोबाल्ट एंड निकल की. कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, निकल का 58.71. सो रूल के अकॉर्डिंग निकल कोबाल्ट के पहले आना चाहिए बट यहाँ वैसा नहीं है. सो इस बात का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. कॉपर एंड मर्क्यूरी इनको सेपरेटली रखा गया लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, जो कि हमें पता चलता है उनकी प्रॉपर्टी सेम थी बट उनको सेपरेटली रखा गया. कॉपर को ग्रुप 1 में रखा गया जबकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के किसी भी एलिमेंट के मैच नहीं करती. अब जो तीसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है आइसोटोप से रिलेटेड. सबसे पहले आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर. सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज बेसिकली सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो आइसोटोप्स के लिए यहाँ पर कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी जबकि ये पूरा पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया है. फिर भी यहाँ पर आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेस रखा नहीं गया था. हाँ, उन्होंने कुछ एम्प्टी प्लेसेस रखे थे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक मास जो बाद में डिस्कवर होते और उनको प्लेस किया जाता. तो ये एक और एडवांटेज था कि उनके प्रॉपर्टी हम उनके पीरियड के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते थे. लेकिन हाँ, आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं रखा गया था, कोई प्रोविजन नहीं किया गया था. चौथा लिमिटेशन होता है एनएमएलएस पेयरिंग का. कुछ एलिमेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे जिनका पेयरिंग किया गया है बट वो क्यों किया गया है इसका भी कोई रीज़न नहीं दिया गया है. लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए भी अलग से कोई प्लेस नहीं है. और एक जो लिमिटेशन आता है वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी से रिलेटेड आता है कि आखिर क्यों ये एलिमेंट्स के
प्रॉपर्टी सेम आ रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, इसका भी कोई रीजन हमें इस टेबल से नहीं पता चलता. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दिस वॉज अ वेरी गुड पीरियोडिक टेबल बट वी डोंट यूज इट सो बिकॉज देर वर सम लिमिटेशंस. अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो कौन से नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन लिमिटेशंस पर काम किया और हमें एक नया पीरियोडिक टेबल दिया. थैंक यू.